तो दोस्तों शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SCI ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, इस क्वार्टर में कैसे क्या है चलिए देखते हैं। तो ये डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाता हूँ क्या हुआ है। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू अगर देखा जाए तो कंपनी ने 1420 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1431 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 1500 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल देखें तो साल दर साल एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली, ज्यादा बड़ी तेजी नहीं है, अप्रोक्सिमेटली आप बोल सकते हैं 5% के आसपास की तेजी है साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। चलिए कंपनी के एक्सपेंस देख लेते हैं, एक्सपेंस क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1335 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1141 करोड़ खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी ने 1265 करोड़ खर्च किए। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंस ज़्यादा था, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट के अंदर अच्छी खासी गिरावट हुई थी पिछले क्वार्टर में, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी ने एक्सपेंस के ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल किया। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 124 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, पिछले साल 311 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 279 करोड़ के आसपास है। तो कह सकते हैं कि साल दर साल तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी जंप देखने को मिली, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 210% के आसपास की तेजी है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर क्वार्टर। लेकिन साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल एक छोटी सी गिरावट भी आपको देखने को मिली, अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। चलिए कंपनी का ईपीएस देख लेते हैं, ईपीएस क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर में 2.67 था, पिछले साल 6.69 था, जबकि अभी देखें तो 6 रुपए के आसपास। तो अगर मैं कंक्लूड करूं नंबर को तो देखिए नंबर तो शानदार है क्वार्टर क्वार्टर साल साल दोनों, बस कंपनी ने प्रॉफिट थोड़ा सा कम जनरेट किया है इस क्वार्टर में, क्योंकि पिछले साल से अगर इस साल में हम एक्सपेंस को कंपेयर करते हैं तो पिछले साल महंगाई कुछ और थी, इस साल महंगाई कुछ और है। इस क्वार्टर में कंपनी को अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 52 करोड़ के आसपास का ये अदर एक्सपेंस लगा है, जबकि पिछले साल मात्र 26 करोड़ लगा था। तो ये 26 करोड़ ऐड कर देते हैं तो क्लियरली देख सकते थे कि कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट सेम होता पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है नंबर्स के साथ, नंबर मेरे हिसाब से पॉजिटिव साइड पे ही है। हो सकता है कि इस शेयर के अंदर तेजी आपको देखने को मिले, और ऊपर से आपको पता ही है कि शेयर प्राइवेटाइजेशन हो चुका है ऑलरेडी, और डेट कभी भी आ सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, ऑलरेडी सारे प्रोसीजर पारित हो चुके हैं, मतलब सारे प्रोसीजर कंप्लीट हो चुके हैं। ये शायद मार्च या फरवरी का महीना गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है प्राइवेट करने का, तो हो सकता है कि उससे पहले एक शेयर के अंदर एक तेजी आपको आनी चाहिए, क्योंकि शेयर बहुत समय से 140 के आसपास पे फंसा हुआ है। तो देखते हैं क्या टारगेट हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से नंबर जो अभी देखने में आ रहे हैं वो नंबर पॉजिटिव साइड पे है। तो बेचिएगा मत, आपके पास शेयर तो बने रहिए, होल्ड कीजिए, बहुत अच्छे खासे रिटर्न अगले 1 से 2 महीने में देखने को मिल सकता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।